अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सलामती काउंसिल की जानब से मसला कश्मीर को उठाने का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अक़्वामे मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक आलमी अमन बरकरार रखना उसकी जिम्मेदारी है। कश्मीरियों को उनका हक मिलने तक मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर उठाने पर खैर मकदम करते हुए कहा है कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा 70 साल से सलामती काउंसिल एजेंडे पर है। सलामती काउंसिल आलमी अमन और करारदादों पर अमल दरामद की जिम्मेदार है। उन्होंने इंसानी हकूक की पामाली ज़ेरे बहस लाने पर मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि सलामती काउंसिल के अरकान ने मकबूजा कश्मीर के हालात पर आवाज़ उठाई है। इमरान खान ने कहा कि काउंसिल अरकान ने मकबूजा कश्मीर के हालात खराब ना करने पर जोर दिया है। काउंसिल ने आलमी कवानीन की पासदारी तनाज़े के पुरान हल पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान का मौकफ वाज़े और दो टोक है। मसला कश्मीर अक़्वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए और कश्मीरियों को इस्तिस्वाबे राय का हक दें। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरियों को उनका हक मिलने तक मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे।